बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल और मेरे यूट्यूब फैमिली का शेयर। दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्पेशल बनने जा रही है। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह ये जो रेसिपी आपने शुरू से अंत तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसे लगी। आज मैं बनाने लगा हूँ अरबी मसाले वाली, न्यू तरीके से, बहुत ही स्पेशल होगी इंशाल्लाह। जो कोई मेरे तरीके से बनाएगा इंशाल्लाह उंगलियां चाटता रहेगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनेगी। तो दोस्तों इसके लिए दो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने रेडी कर ली है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, इससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने हाफ के जी अरबी ली थी, ये छोटे छोटे पीसों में मैंने काट ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसों में मैंने काट के धो के नमक लगा के, ठीक है, आधा किलो अरबी को काट के पानी डाल के नमक डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया। ठीक है, और इस तरह मैंने एक प्याज लिया था, एक अदद प्याज, ठीक है, हरी मिर्चें ली थी 4 से 5 अदद छोटी, वो मैंने काट ली हैं। आज एक न्यू टच करेंगे, ये देखिए शिमला मिर्च, ये इसमें डालेंगे। ये बहुत ही शिमला मिर्च, बहुत ही मज़ा आएगा इसका। और ये धनिया है, ठीक है, ये भी मैंने काट लिया है। ठीक है, तो इसके साथ जो मसाले हमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हाफ चम्मच जाएगा दादर मिर्च, हाफ चम्मच जाएगा सूखा हुआ धनिया पाउडर, हाफ चम्मच कुटी लाल मिर्च, आठ चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। ठीक है, ये समझ ले कि ये मसाले जो है ना आपने हाफ के जी के रखने हैं। आधा चम्मच जाएगा जीरे का और एक चम्मच जाएगा खाने का नमक, ठीक है, नमक का चम्मच। ठीक है, ये मसाले हैं हाफ के जी अरबी के। तो इसके साथ ये देखिए हम सिरका भी ऐड करेंगे, सिरका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैसे डालना है। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। इस तरफ दोस्तों ये देखें, आज न्यू तरीके से रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी दोस्तों, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, ठीक है, तो इसमें मैंने घी डाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये प्याज लेंगे, प्याज को हम डालेंगे। प्याज मैंने एक अदद आज डाला है क्योंकि हाफ के जी है। तो इसमें दोस्तों इसको पहले लाइट सा ब्राउन करेंगे, ठीक है, लाइट सा ब्राउन करके इसको फिर रेसिपी को तैयार करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों इसके साथ मैंने टमाटो भी लिए थे, टमाटो को मैंने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है। आज टमाटो जो है ना हम इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, टमाटो थोड़े से डाल देंगे, प्याज को जितना हमने ब्राउन करना है, ये देखें आप, प्याज जितना ब्राउन चाहिए हमें वो हो गया है। ठीक है, अब टमाटो डाल देंगे, टमाटो डाल के इसको मसाले को हमने तैयार करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके टमाटो को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जी दोस्तों इस दौरान हम क्या करेंगे, जो हमारे मसाले थे ये वाले, ठीक है, ये मसाले डालेंगे, ठीक है, ये सारे मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये मसालों की खुशबू होती है, जब ये सारे मसाले मिक्स करके डालते हैं तो मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके साथ दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें ये सिरका था जो मैंने बताया था आपको किस तरीके से हमने डालना है। इस दौरान हम क्या करेंगे, ये देखें सिरके के 2 चम्मच लेंगे, ठीक है, खाने के 2 चम्मच बन जाते हैं। ठीक है, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। ये सिरका नहीं है तो आप लेमन डाल दें, ठीक है, तो सिरका डाल के दोस्तों इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आज का तरीका इंशाल्लाह आपको दोस्तों बहुत ही पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी ये पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में, अपने फैमिली कारों में शेयर भी करें। इसको मसाले को भून लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों अब क्या करेंगे, ये देखें अब थोड़ी सी ये हरी मिर्च जो हमने काटी हुई थी ये वाली, ठीक है, ये थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अदरक लहसुन नहीं इसमें डाल रहा। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने जा रही है, टमाटो की जो अरबी होगी, मसाले वाली, ग्रेवी वाली, बहुत ही टेस्टी। अब दोस्तों क्या करेंगे,
ये जो अरबी थी ये देखें आप, ये मैंने काट कर अच्छी तरह धोकर इसको रख दिया था, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप डाल देंगे अरबी को, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आधा गिलास पानी का डालकर दोस्तों इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें आधा गिलास पानी का डालेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें आप, इसको कम से कम हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकने देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, इस दौरान जो होगा आँच हमने तेज रखनी है, ठीक है। जब 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, जब अरबी थोड़ी सी नरम हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम आँच को मीडियम करेंगे। इस दौरान साथ ही हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा ढक्कन लेंगे, ये ढक्कन को ऊपर रखेंगे, तो इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जी दोस्तों, इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं। और इसको दोस्तों एक दफ़ा हम चेक करेंगे कि हमारी जो अरबी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, पक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं दोस्तों। जी दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ये देखें अरबी जो है गल गई है, ठीक है, बहुत ही टेस्टी पक गई है दोस्तों। बहुत ही कमाल की ऐसे खुशबू आ रही है जैसे कोई हमने कोरमा या कोई ऐसी चीज़ बनाई है, ऐसे मसालों का मैं कहता हूँ टेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको जो है ना आँच को चूल्हे को बंद करेंगे, अब इसको हम डिश आउट करेंगे और बहुत ही टेस्टी बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस दौरान दोस्तों हमने एक काम करना है, ये देखें ये जो हमारा ये शिमले की मिर्चें थी, ठीक है, ये वाली आप देख सकते हैं जो मैंने इस तरीके से काटी हुई थी। इस दौरान हमने डालना है, ये देखें इस दौरान हमने शिमले की मिर्चें जो है ना इस तरीके से डाल देनी है, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी दोस्तों बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त आज की रेसिपी बनी है। आपने भी इसी तरीके से बनानी है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे, ये जो हरी मिर्चें थी ये देखें दोस्तों ये डाल देंगे, ये देखें ये जो धनिया था ये डाल देंगे। यकीनन आज की रेसिपी आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे तरीके से आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है कि आज की रेसिपी कैसे बनी। दोस्तों अब हम इसको डिश आउट करेंगे, इससे पहले आप देख सकते हैं अरबी बहुत ही टेस्टी बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरीके से आप ज़रूर जब बनाएंगे ना अरबी को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब दोस्तों इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों अरबी का सालन हमारा तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बहुत ही कमाल आज की रेसिपी अरबी का सालन बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं दोस्तों। ये टमाटो वाली जो अरबी है ना आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनती है, ठीक है, बहुत ही कमाल की अरबी बनती है। जी दोस्तों यकीनन आज की आपको अरबी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में अपनी फैमिली कारों में, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी एक भाई के लिए एक इनाम होता है, आपकी तरफ से भाई के लिए तोहफा होता है, ठीक है, तो ये लाजमन आपने करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही कमाल की अरबी बनी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में, मुझे अपनी गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। टमाटो भी आपने इसी तरीके से डालने हैं, ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनेगी अरबी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मसाले वाली अरबी। अल्लाह हाफिज़।